हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ हम पढ़ते हैं एक्सेल टैली एंड एसएपी एफआईसीओ मॉड्यूल। आज हम पढ़ेंगे शॉर्टकट कीज़ एक्सेल की। एक्सेल में मैं आपको जितनी भी एक्सेल की शॉर्टकट की है वो सारी पढ़ाऊंगा। ये हम सीरीज़ वाइज पढ़ेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको कंट्रोल ए टू कंट्रोल जेड, इसमें जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कीज़ दे रखी है ए बी सी और यहाँ कंट्रोल है। तो कंट्रोल ए मींस फर्स्ट की हमारी कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मींस होता है कि सिलेक्ट करना। सपोज मेरा कर्सर है ब्लैंक सेल पे, मैं यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो देखिए सारा डाटा हमारा सिलेक्ट हो गया। और यही कर्सर अगर मैं किसी पर्टिकुलर डेटा पे रख के कंट्रोल ए करता हूँ तो वो डेटा सिलेक्ट होगा। तो अगर मैं ब्लैंक सेल पे करूँगा तो पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी, डेटा पे रखेंगे तो हम पर्टिकुलर डेटा सिलेक्ट होगा। शॉर्ट सिलेक्ट ऑल हम यहाँ एक बटन होता है इससे भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल बी होता है बोल्ड। अगर हम टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए बोल्ड हाईलाइटेड हो गया। और अगेन कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हट जाएगा। देन कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी। कॉपी करने के लिए हमने सेलेक्ट किया, सपोज हमें कॉपी करना है तो कंट्रोल सी। देखिए डांसिंग सराउंडिंग डेटा यहाँ पर हो रहा है तो मींस ये कॉपी है। और आप देखना चाहते हो क्या क्या कॉपी है तो यहाँ से क्लिप बोर्ड ओपन करोगे तो ये डेटा हमारा कॉपीड है। उसके बाद आता है हमारा फिल डाउन। फिल डाउन मींस अगर सपोज हमने यहाँ पर टाइप कर रखा है कोई डेटा, मैं चाहता हूँ ये मुझे यहाँ तक चाहिए तो कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर देंगे तो ये फिर डाउन हो जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई ये न्यू शॉर्टकट की है 2016 में, फ्लैश फिल। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा बिकॉज ये 2007 वर्जन है। उसके बाद आता है कंट्रोल एफ। एफ फॉर फाइंड कमांड। फाइंड क्या यूज़ होता है? फॉर सर्चिंग। अगर हमें कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च करना है तो हम फाइंड यूज़ करेंगे। सपोज मुझे यहाँ सर्च करना है कि एफ फैब कहाँ लिखा है तो मैं फैब पे क्लिक करूँ। देखिए फैब मुझे सर्च करना है 20 कहाँ लिखा है हमने, देखिए 20। तो फाइंड कमांड हम सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं। देन यूज़ होता है उसके बाद गो टू। गो टू कमांड यूज़ करते हैं कंट्रोल जी फॉर गो टू किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जाने के लिए। सपोज हमें जाना है B5 पे, हमें जाना है B5 पे। ओके किया, देखिए कर्सर कहाँ गया, B5 पे। तो गो टू कमांड किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे, किसी भी पर्टिकुलर सेल्स पे जाने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद होता है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल एच फॉर रिप्लेस। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को किसी अनदर टेक्स्ट से रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस एच। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा मंथ लिखा है वो आ जाए MONTHS, मंथ मंथ्स में हो जाए तो रिप्लेस कर देंगे। फाइंड करा और उसके बाद रिप्लेस। देखिए मंथ किस में आ गया, मंथ में। और अगर मैं ऊपर लिख देता हूँ मंथ और नीचे कर देता हूँ मंथ तो देखिए फाइंड एंड रिप्लेस। तो इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस आई फॉर इटैलिक। तो इटैलिक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। देखिए इटैलिक हाईलाइटेड हो गया, हमारा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो गया। उसके बाद कंट्रोल जे। कंट्रोल जे अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस के फॉर इंसर्ट हाइपरलिंक। अगर मेरे को हाइपरलिंक मतलब किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को किसी के साथ लिंक करना है तो हम हाइपरलिंक यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस के कमांड। कंट्रोल के, हमने कर्सर सपोज यहाँ पर रखा, मुझे इसके साथ लिंक करना है कंट्रोल के। हमने कहा कि ये जो पिक्चर है ये इसके साथ लिंक हो जाए तो हमने ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पर लिंक हो गया, हैंड शेप आ गई। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो पर्टिकुलर पिक्चर हमारी ओपन हो जाएगी। अगर हटा इसको रिमूव करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिमूव हाइपरलिंक। उसके बाद आता है हमारा इंसर्ट टेबल। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट टेबल करेंगे। उसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस एल।
Ctrl+L इंसर्ट टेबल, देखिए टेबल इंसर्ट हो गई। जैसे हम टेबल इंसर्ट होगी तो यहाँ पर एक डिज़ाइन का टूल बॉक्स आ जाएगा, तो ये हमारी टेबल इंसर्ट हो गई। टेबल को दोबारा से हम रेंज में लाना है तो कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे, देन रेंज में होगी। उसके बाद आता है एम, अवेलेबल नहीं है अभी। Ctrl+N फॉर न्यू वर्कबुक, अगर आपको न्यू वर्कबुक ओपन करनी है Ctrl+N प्रेस कर देंगे, देखिए न्यू वर्कबुक आपका ओपन हो जाएगी। ओपन वर्कबुक, अगर आपको ओपन करनी है तो Ctrl+O करेंगे तो कोई भी वर्कबुक आप अपनी यहाँ से ओपन कर सकते हो। उसके बाद आता है प्रिंट कमांड, Ctrl+P फॉर प्रिंट, अगर आपको किसी पर्टिकुलर का रिकॉर्ड का प्रिंट लेना है तो आप Ctrl+P कर सकते हो, कंट्रोल की अवेलेबल नहीं है। फिल लाइट, फिल लाइट क्या होता है, अगर मेरा कुछ रिकॉर्ड है, सपोज वो यहाँ लिखा है, मैं चाहता हूँ वो यहाँ भी आ जाए, यहाँ तक आ जाए, तो Ctrl+R प्रेस करेंगे तो फिल राइट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+S फॉर सेव। Ctrl+S आप सबको ही पता है, Ctrl+S से हम अपने रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। Ctrl+T ये भी इंसर्ट टेबल के लिए होता है, Ctrl+L भी सेम है। उसके बाद आता है Ctrl+U फॉर अंडरलाइन, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ अंडरलाइन तो हम Ctrl+U प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन आ जाएगा। अंडरलाइन ऑप्शन देखिए हाईलाइटेड हो गया, अंडरलाइन Ctrl+U अगेन प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा पेस्ट, अगर हमें कॉपी, सपोज मैंने इसे कॉपी किया और मैं यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ तो Ctrl+V फॉर पेस्ट। उसके बाद आता है Ctrl+W फॉर क्लोज वर्कबुक, अगर मैं इस वर्कबुक को क्लोज, सपोज मैंने ओपन कर रखी है, मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ Ctrl+V करूँगा, देखिए क्लोज हो गया, Ctrl+V क्लोज हो गया। अगर मैं चाहता हूँ इसको क्लोज करना तो Ctrl+V प्रेस करते ही ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पूछेगा सेव चेंज करना है तो यहाँ पर Ctrl+W से क्लोज। उसके बाद है Ctrl+X फॉर कट, कट करने के लिए, अगर मैं यहाँ से इसे कट करना चाहता हूँ Ctrl+X कट हो जाएगा और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं तो कट पेस्ट के लिए। उसके बाद आता है Ctrl+Y फॉर रीडू कमांड, Ctrl+Y फॉर रीडू कमांड यूज होती है, अगर मैंने कुछ Ctrl+Z कर दिया मुझे दोबारा से चाहिए तो Ctrl+Y रीडू कमांड, Ctrl+Z फॉर अंडू, अगर हमने गलत कर दिया है तो अंडू कमांड। तो ये सारे शॉर्टकट्स थे हमारे Ctrl+A to Ctrl+Z। आगे भी मैं आपको इसकी सेकंड वीडियोस में अनदर शॉर्टकट कीज पढ़ाऊंगा, मुझे आशा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.